हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा विंडो एक्सपायर हो चुका है कि होने वाला है, उसके बारे में हम कैसे पता करें। अगर एक्सपायर होने वाला है तो उसको हम एक्टिवेट कैसे करें। एक्चुअली अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CMD कमांड लेंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर आपको टाइप करना होता है SLMGR/SXPR। जैसे ही इसको इंटर करते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए और आप देखेंगे कि आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें लिखा है कि वॉल्यूम एक्टिवेशन विल बी एक्सपायर 28:01 and 12:03 पे ये एक्सपायर हो जाएगा। अब चीज को परमानेंटली कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, हम इस वीडियो में यही चीज देखने वाले हैं। तो चलिए इसको करेंगे कैसे। तो सिंपल सा आपको काम क्या करना है कि जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप अपने विंडो को कैसे एक्टिवेट कर सकते, तो हम उसी KMS की फाइल के द्वारा ही इसको एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है कि आपको अपने सिस्टम में एक्टिवेशन जो आपका एंटीवायरस है उसको हमें पहले कर लेना है डिसेबल। तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स में आकर उसे कर लेता हूँ डिसेबल। रियल टाइम प्रोटेक्शन हमने कर दिया डिसेबल, और मैंने उस फाइल को पहले से ही यहाँ पर रखा हुआ KMS फाइल को, उसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया। उसमें आपको मिल रहा है नोटपैड की फाइल, जो उसका पासवर्ड अवेलेबल है, तो हम उसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमारी जो फाइल है पहली, उसको कर देना है रन। जैसे ही आप उसको रन करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा, उसको पासवर्ड को आप वहाँ पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद वो फाइल वहाँ पे रन होना शुरू हो जाएगी, और रन होते ही हम करेंगे उसे यस। यस करने के बाद अब उसका आगे का सेटअप चालू होगा। अब इसमें हो सकता है कि थोड़ा टाइम भी लग सके, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर कि वो कितना प्रोसेसर है क्या है। चलिए यहाँ पर यस ऑप्शन आ गया है, इसको कर दिया हमने यस, और इसे हम कर देते हैं इंस्टॉल। तो सेलेक्ट किया, एक्सेप्ट किया कंडीशन, और इसे हमने इंस्टॉल के प्रोसीजर पे लगा दिया है। और जैसे जैसे ये इंस्टॉल होते जाएगा और आपका विंडो एक्टिवेट करने के लिए ये फाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हम उस फाइल को यहाँ पर करने वाले हैं रन। तो यहाँ पर हमने लिखा KMS और वो फाइल आपको मिल जाएगी, और उसे करना है आपको यस, और उसके बाद इसका डायलॉग बॉक्स आएगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक, और ये एक्टिवेशन में एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि ये एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम सेम कमांड को वापस अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक बार इंटर करेंगे और देखेंगे कि ये अभी इसका एक्सपायरी डेट हमारा 4/7 यानी कि डेट बढ़ चुकी है, इसकी एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पर इंक्रीज करवा दी है। आई होप यू दोस्तों आपको पता चला होगा कि हम किस तरीके से उसको एक्टिवेशन को इंक्रीज करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।